वेलकम टू करियर पॉइंट वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन ऑफ पावरफुल कॉन्सेप्ट इन मैथेमेटिक्स डेयर स्टूडेंट्स आज में इस सेशन में मैक्सिमा मिनिमा के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें करने की कुछ ऑल्टरनेटिव अप्रोचेज होती हैं और उसमें कॉर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है कई सारी ऐसे सिचुएशंस में वो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ मैक्सिमम मिनिमम में यूजुअली स्टूडेंट्स डिफ्रेंशिएट करके फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव साइन कन्वेंशन मेथड से मैक्सिमम मिनिमा एनालाइज करते हैं लेकिन कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर कुछ अल्टरनेटिव अप्रोचेस कम कैलकुलेशन के साथ आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट मैंने ए एम देन इक्वल टू जी लास्ट सेशन में डिस्कस किया था एंड आई होप वो आप सबने देखा होगा अगर नहीं देखा है तो वो सेशन आप जरूर देखिए और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम्स में कि किस तरह से हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में स्पेसिफिक केसेस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा बहुत सारे अमेजिंग अप्रोचेस और कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो जेई में पहले पूछे जा चुके हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे राइट right? तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले मैं आपको कुछ ऐसे केसेस दिखाता हूं जहां पर हम इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं और फिर उसका मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा देखिए ये एक सिचुएशन देखिए इस एग्जांपल को फोकस कीजिए लेट बी अ गिवन स्ट्रेट लाइन राइट दिस इज अ लाइन विच इज गिवन टू यू इस लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास है एंड ए एंड बी आर टू गिवन पॉइंट ये दो पॉइंट आपको पता है फाइंड अ पॉइंट पी ऑन द लाइन एल सच दैट पी ए प्लस पी बी इज मिनिमम मतलब यह है कि एक लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है ए और बी दो पॉइंट्स के लोकेशन आपको गिवन है उनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है आपको पी पॉइंट एक लाइन के ऊपर उस गिवन लाइन के ऊपर पी पॉइंट एक इस तरह से फाइंड आउट करना है कि पी ए प्लस पी बी मिनिमम आ जाए पी ए पी बी का सम मिनिमम आए ये डायरेक्ट जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ये सिचुएशन मैंने आपको दिखाई है और इस पर बेस्ड जेई में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में आते हैं जिसमें लाइन का इक्वेशन गिवन होता है ए और बी पॉइंट्स के कॉर्डिनेट्स गिवन होते हैं और आपको पी पॉइंट के कॉर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होते हैं कैसे करेंगे समझने के लिए हम पहले इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं जब हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पर चलते हैं बच्चों तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जो लाइन एल है और जो दो पॉइंट्स ए एंड बी हैं इनकी रिलेटिव लोकेशन क्या है यानी दोनों पॉइंट्स लाइन के सेम साइड पर हैं या दोनों पॉइंट्स लाइन के अपोजिट साइड्स पर आ रहे हैं एक इधर और एक इधर आ रहा है आप समझ गए तो दोनों केसेस में काम करने के लिए हमें क्या करना होगा यह समझना जरूरी है तो पहले मैं एक केस पर सेलेक्ट करता हूं तो केस वन पिक कर रहा हूं मैं जिसमें ए बी दोनों पॉइंट्स जो हैं दे ऑन साइड्स ऑफ लाइन लाइन एल 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 पॉइंट के अपोजिट साइड्स पर वो पॉइंट एक्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं जैसे यह आपको लाइन दी गिवन है से दिस इज लाइन एल यह लाइन आपको गिवन है और यह दो पॉइंट है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ओके दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी इन दो पॉइंट की लोकेशन आपको गिवेन है इस लाइन के ऊपर हमें कोई एक, एक ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जिसे ए से और बी से ज्वाइन करने पर सम मिनिमम आ जाता है दैट पॉइंट मे लाइ एनी वेयर है ना किसी स्पेसिफिक कंडीशन में उस पॉइंट की वो पोजिशन आइडेंटिफाई करनी है जब पी ए प्लस पी भी मिनिमम हो जाए तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां कोई पॉइंट अज्यूम किया तो ये पी ए हो गया और ये पीबी हो जाएगा अब पी की पोजीशन वेरी करेगी तो ये जो सम है ये सम वेरी करेगा से दिस इज पॉइंट पी तो पी ए प्लस पी बी सम वेरी करता रहेगा ए फिक्स है बी फिक्स है एल फिक्स है पी वेरिएबल है p is the variable point और p point की variable location होने की वजह से pa लेंथ और pb लेंथ वैरी करेंगी आपको p पॉइंट की सिचुएशन ऐसी आइडेंटिफाई करनी है कि pa और pb का सम मिनिमम आ जाए इस डायग्राम को देखकर आप तुरंत समझ सकते हैं कि वो पॉइंट कौन सा होना चाहिए जब pa सेगमेंट और pb सेगमेंट ये कंसाइट कर जाएंगे जब p पॉइंट a पॉइंट और b पॉइंट ियर हो जाएंगे अभी ये लाइन बना हुआ है तो जब पी ए बी तीनों पॉइंट्स हो जाएंगे तो ऐसे सिचुएशन में पी ए और पीबी का सम मिनिमम आएगा जैसा कि हम इस पर्टिकुलर लाइन में देखें P पॉइंट कहीं भी हो सकता था अगर ये P पॉइंट इस जगह पर हो इफ दिस इज द पोजिशन ऑफ पॉइंट P, तो पी ए प्लस पी बी का सम मिनिमम आएगा तो P पॉइंट का लोकेशन क्या हो गया बच्चों P पॉइंट का लोकेशन हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एल एंड ए बी लाइन तो ऐसे सिचुएशन में पी पॉइंट फाइंड आउट करना बहुत आसान हो गया आपको मिनिमम या मैक्सिमम करवाने की जरूरत नहीं है आप सीधा सीधा पी पॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ए बी जो दो पॉइंट दिए हुए हैं उनका इंटरसेक्शन उनका लाइन बना लें ज्वाइन करने वाली लाइन और एक लाइन एल दिया हुआ है इनका आपस में इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए आपको पी पॉइंट की लोकेशन मिल जाएगी इन सच कंडीशन पी ए प्लस पी बी इज मिनिमम यहां पर आप ट्रायंगल एंडक्वालिटी का बहुत अच्छा सा एप्लीकेशन देख रहे हैं हम जानते हैं कि ट्रायंगल के केस में दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है तो यहां पी ए प्लस पी बी पी ए प्लस पी बी अगर मैं ये वाला P कंसिडर करता हूं तो पी ए प्लस पी जो है ए बी से हमेशा बड़ा होगा यानी कि पी ए प्लस पी की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई है ए बी हो गई है और वो कब अचीव होगी जब पी पॉइंट इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करेगा तो यह वो कंडीशन है जो आपकी डिजायर्ड कंडीशन है और यहां पर अगर पी एग्जिस्ट करता है तो यह सम मिनिमम आएगा तो अगर ये दो पॉइंट्स ए और बी लाइन एल के अपोजिट साइड पर हैं, तो पी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा पी ए प्लस पी बी इज मिनिमम वेन पी इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए बी एंड एल इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं अब हम दूसरा केस देखते हैं जब ये ए और बी पॉइंट जो अपोजिट साइड पर हमने लिए थे ऐसा नहीं हो और वो सेम साइड पर एग्जिस्ट करते हो तो हम सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं व्हेन ए बी लाय ऑन सेम साइड ऑफ लाइन एल अगर वो लाइन के सेम साइड पर हैं तो हम काम कैसे करेंगे उसका पहले डायग्रामिक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं सपोज ये ए है और ये बी पॉइंट है राइट right? हमें फाइंड आउट करना है कोई भी एक यहां पर मैंने पी पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया से तो ये PA और ये और इन दोनों का सम मिनिमम होना चाहिए राइट right? अब यहां दोनों पॉइंट एक ही साइड पर हैं अब देखिए यहां पर तो हमें पसाफ दिखाई दे रहा था कि ए बी लाइन बना ली जाए और ये ये जब पी पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे तो वो सिचुएशन हमें मिनिमम का केस दे देगी लेकिन यहां पर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो ही नहीं सकते क्योंकि ए और बी दोनों लाइन के अलग साइड पर हैं और पी पॉइंट जो है ये लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये सिचुएशन हम डिफरेंट हो गई लेकिन हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम एक काम करते हैं ए या बी इन दो में से किसी भी एक का मिरर इमेज हम इस लाइन के रेस्पेक्ट में बना लें तो ये मान लीजिए B का मैंने मिरर इमेज ड्रॉ कर लिया से दिस इज B डैश मिरर इमेज लेंगे तो ये 90 डिग्री होगा और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाएगा अब अगर मैं P को B डैश से ज्वाइन करता हूं तो पीबी डैश और पीबी ये दोनों सेगमेंट्स भी इक्वल होंगे पीबी इज इक्वल्स टू पीबी डैश ऐसा होगा पीबी और पीबी डैश ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि बी और बी डैश ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं इन द लाइन एल इस लाइन एल के रेस्पेक्ट में बी का मिरर इमेज बी डैश है तो ये जो सेगमेंट है और ये जो सेगमेंट है ये दोनों सेगमेंट इक्वल लेंथ के आने वाले हैं अब मैं यहां मिनिमम करवाना चाहता हूं पी और PB को तो पी और PB को मिनिमम अगर हमें करवाना है इफ पी ए प्लस पीबी इज मिनिमम और मुझे पता है कि PB और pb डैश इक्वल है देन आई कैन से दैट दैट मीन्स पी ए प्लस पी बी डैश इज मिनिमम राइट तो मैं इन दोनों का सम मिनिमम न करवा के इन दोनों का सम मिनिमम करवा देता हूं यानी एपी और पीबी डैश का सम मिनिमम करवा देता हूं क्योंकि बात वही है क्योंकि बी और बी डैश एक दूसरे के मिडर इमेजेस हैं और पीबी और पीबी डैश का लेंथ भी

पॉइंट ए पॉइंट और बी डैश पॉइंट को कर देना होगा और इस काम को करने के लिए ए और बी डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन बना ली जाए लाइन एल के साथ उसका इंटरसेक्शन ले लिया जाए तो जो पॉइंट हमें मिलेगा वही रिक्वायर्ड पॉइंट होगा तो ये वो पर्टिकुलर पी पॉइंट की पोजीशन हो गई इस केस में ये वो डिजायर्ड पॉइंट होगा पी जो हमें चाहिए यानी यह P फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा पी ए प्लस पी बी इज मिनिमम वेन पी इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए बी डैश एंड एल आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन तो हमें यहां पर काम क्या करना हुआ सबसे पहले लाइन के रेस्पेक्ट में ए और बी दोनों पॉइंट को चेक कर लीजिए अगर वो अपोजिट साइड पर है तो उन्हें ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन बनाइए और लाइन एल के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए अगर वो सेम साइड पर है तो दोनों में से किसी भी एक का आपने यहां मैंने बी का इमेज लेकर काम किया ए का इमेज लेकर भी किया जा सकता था दोनों में से किसी एक का मिरर इमेज ले लीजिए और कॉर्डिनेट जियोमेट्री में आपको पता है मिरर इमेज निकालने के लिए लाइन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट का मिरर इमेज निकालना हो तो उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला यूज करके आप B डैश के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए B डैश के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद A और B डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन बना लीजिए और उसका L के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट ले लीजिए तो आपको रिक्वायर्ड पॉइंट पी मिल जाएगा तो इस तरह से ये काम हम कर सकते हैं और जेई एडवांस में भी इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं जहां पर आपको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और आपको एक लाइन के रेस्पेक्ट में लाइन के ऊपर पॉइंट आइडेंटिफाई करना है इस तरह से कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए अब ये क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा पर अगर आप जाते हैं तो ये टाइम टेकिंग हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व हो जाएगी लेकिन अब यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प लेते हुए आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अब देखिए यहां पर हमने मिनिमम का केस आइडेंटिफाई किया अगर मैक्सिमम के लिए बोला जाए अगर यह कहा जाए पीए प्लस हो तो इस तरह का प्रॉब्लम पूछा नहीं जा सकता क्योंकि वो मीनिंगलेस हो गया आप खुद समझ सकते हैं कि पीए और पीबी का सम अगर मैक्सिमम करवाना हो तो पी की पोजीशन कहां आनी चाहिए एट इनफिनिटी पी को आप इस पी पॉइंट से ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस पॉइंट से जितना दूर करते जाएंगे राइट right. इस इंटरसेक्शन पॉइंट से ए बी लाइन और एल लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इससे जितना दूर ये पी पॉइंट चला जाएगा उतना ही सम बढ़ा आता चला जाएगा है ना चाहे वो इस साइड में ले जाए आप या फिर वो इस साइड में ले जाए तो अगर इमेजिन कीजिए कि ये पी ए सेगमेंट और पी बी सेगमेंट जो है ये आ, इस पी पॉइंट को अगर इन्फिनिटी पे कंसीडर कर लिया जाए तो पी ए सेगमेंट और पी बी सेगमेंट का जो सम आएगा दैट विल बी द मैक्सिमम यानी उसकी वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगी और वो लोकेशन डिफाइन नहीं होती है इसीलिए उस पैटर्न का क्वेश्चन रेलिवेंट हो जाता है मिनिमम का केस यहां जरूर बनता है और मिनिमम के केस में ए पी और बी तीनों का कोलिनियर होना जरूरी है और उसके लिए इस ए बी डैश या ए बी सेगमेंट का लाइन एल के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा क्लियर चलिए इसी पैटर्न के कुछ और एग्जांपल्स कुछ और सिचुएशंस में आपके सामने पहले एक्सपोज करता हूं उसके बाद फिर हम इस पर बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लेंगे जो जेई में पूछे हुए हैं यहां आप देखिए अब मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे सिचुएशन की लेट एल बी स्ट्रेट लाइन एंड ए एंड बी आर टू गिवन पॉइंट फाइंड अ पॉइंट पी ऑन लाइन एल अब आपको लाइन एल पर पॉइंट पी इस तरह से फाइंड आउट करना है कि मॉड ऑफ पी ए माइनस पीबी मैक्सिमम हो जाए यानी अभी हमने पिछले केस में पी ए और पीबी का सम मिनिमम करवाया था अब हम पी ए और पीबी का डिफरेंस मैक्सिमम करवा रहे हैं मॉड इसलिए ले रखा है क्योंकि यहां एलजेब्रिक डिफरेंस से मतलब है PA का वैल्यू बड़ा हो सकता है या पीबी का भी वैल्यू बड़ा हो सकता है लेकिन हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है डिफरेंस का इसलिए इसमें हमने एब्सोलिटिव वैल्यू लिया है अब यहां पर फिर से वही सिचुएशन आती है कि लाइन के रेस्पेक्ट में ये जो ए और भी दो पॉइंट्स हैं इनका लोकेशन क्या है सेम साइड पर है या अपोजिट साइड पर है राइट right? तो हम दोनों ही केसेस को एक एक करके डील करेंगे तो मैं पहले एक केस वन ले रहा हूं जिसमें मैंने कंसीडर किया ए बी लाइ ऑन सेम साइड ऑफ लाइन एल ए की तरफ है लाइन एल के रेस्पेक्ट में दोनों पॉइंट लाइन एल इस तरह का हो गया और ये दोनों लाइन एल के सेम साइड पर हैं. एक ए पॉइंट हो गया एक बी पॉइंट हो गया राइट दिस इज पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज लाइन एल ठीक है अब यहां पर इस लाइन के ऊपर मुझे कोई एक ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जिसका पीए और पीबी डिस्टेंस अगर ली जाए तो वो मिनिमम आनी चाहिए तो बिलेट से मैं यहां पर एक पी पॉइंट अज्यूम कर लेता हूं तो ये पी ए डिस्टेंस पी बी डिस्टेंस हो जाएगी और ये पी ए डिस्टेंस हो जाएगी इन दोनों का डिफरेंस लिया जाए देखने में आपको अभी ऐसा लग रहा है कि ये पीबी बड़ा है लेकिन हो सकता है पी पॉइंट इधर लिया जाए तो पीए बड़ा हो जाएगा लेकिन हमें तो यहां पर मॉड से मतलब है इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता दैट रिलेटिवली वेदर पी ए इज ग्रेटर और पीबी इज ग्रेटर लेकिन मुझे इन दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है उसे मैक्सिमम करवाना है ठीक है अब यहां एक सिचुएशन कंसीडर कीजिए मैं इस ए बी सेगमेंट को ज्वाइन कर देता हूं ए और बी जो दो पॉइंट्स हैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना रहा हूं और उसे एक्सटेंड कर देता हूं तो ये इस तरह से एक लाइन मैंने बना ली और ये एक्सटेंड कर दी अब यहां देखो ये पी ए सेगमेंट है और यह पीबी सेगमेंट है इन दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो वो ऑब्वियसली पी ए और पीबी दोनों से ही छोटा आ रहा है मैं इस P से पी पॉइंट की पोजीशन को शिफ्ट कर रहा हूं मैंने पी पॉइंट की पोजीशन को इधर मूव करना शुरू किया तो जो अभी डिफरेंस आ रहा था उस डिफरेंस के साथ अब इस वाले डिफरेंस को कंपेयर कीजिए जो पहली सिचुएशन थी उसमें जो डिफरेंस है उसके कंपैरिजन में इस नई पोजीशन पर जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस ग्रेटर है ये वाला जो अमाउंट आया PA PB का जो अब डिफरेंस आप लेंगे ये पिछले डिफरेंस के कंपैरिजन में बड़ा आया यानी P को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है यानी कि मैक्सिमम की तरफ जा रहा है हमें मैक्सिमम करवाना है यानी इंक्रीज हो रही है वैल्यू तो ये वाला जो डिफरेंस था पहले पीबी सेगमेंट और पी वे सेगमेंट का इस डिफरेंस की लेट से एक्स वैल्यू है और अब जो नई सिचुएशन में डिफरेंस आएगा पीबी और पी का वो डिफरेंस एक्स से बड़ा होगा अगर मैं पी को फर्दर इधर शिफ्ट कर देता हूं तो सोचिए क्या होगा ये डिफरेंस और बड़ा हो गया अब देखिए ये पी ए यहां अगर पी आ जाता है तो ये पी ए हुआ और ये पी भी हुआ और अब जो डिफरेंस है वो और बड़ा हो गया Isn't it? और अगर मैं इसे इधर शिफ्ट करता चला जाऊं तो इस डिफरेंस की वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी इमेजिन कीजिए इस पी पॉइंट को जब यहां शिफ्ट कर दिया जाए कहां जहां पर ये लाइन एल के साथ इंटरसेक्ट कर रही है ए बी लाइन यहां शिफ्ट कर दिया जाए पी ए सेगमेंट और पीबी सेगमेंट का डिफरेंस कितने के इक्वल हो जाएगा ए बी के इक्वल हो जाएगा है 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 ना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा जा रहा रहा बढ़ते, 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 ये तो तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां जब वो डिफरेंस मैक्सिमम आपको चाहिए तो वो मैक्सिमम कब आपको मिलेगा जब बी सेगमेंट और लाइन एल का इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकालेंगे उस पर्टिकुलर पोजिशन पर वो मैक्सिमम आएगा इसे भी हम ट्राइंगुलर इन से समझ सकते हैं देखिए कैसे समझ सकते हैं आप यह तो देख ही लिया आपने कि P पॉइंट को जब मैं इधर मूव करता जा रहा हूं तो यह डिफरेंस इंक्रीज होता जा रहा है और फाइनली P को जब यहां कर दूंगा तो यह डिफरेंस ए बी के इक्वल हो जाएगा और ए बी ही इस डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू होगी कैसे होगा देखिए यह हमारी इनिशियल पोजिशन थी ठीक है हम जानते हैं कि ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है या उसके इक्वल हो सकता है इट यहां पर कोई सी भी दो साइड्स मैंने ले ली हैं लेट्स से ए बी और ए पी ये दो साइड्स में ले लेता हूं इन दोनों साइड्स का सम थर्ड साइड बी पी से बड़ा होगा राइट सो आई एम कंसीडरिंग ए बी प्लस ए पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी पी थर्ड साइड बी पी है राइट right? इस एपी को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूं ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एपी बीपी माइनस एपी राइट ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीपी माइनस ए बी यानी ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है ए बी आ रही है आप देखिए बी पी माइनस एपी इज लेस देन इक्वल्स टू ए बी ऐसा बोला हमने तो ये जो डिफरेंस आया दो साइड्स का वो हमेशा थर्ड साइड के इक्वल होगा या उससे छोटा ही होगा और इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू इस डिफरेंस की ए बी के इक्वल है और यह एबी के इक्वल कब बनेगी जब ये पी पॉइंट इस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा यानी ए बी का एल लाइन के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट अगर निकाला जाएगा तो उस सिचुएशन में पी पॉइंट आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा इस डिफरेंस की तो ये जो पी है यही हमारी डिजायर्ड पोजिशन होगी इस रिक्वायर्ड पॉइंट के लिए यानी अगर इस तरह का सिचुएशन हो जहां पर हमें मॉड पी ए माइनस पीबी को मैक्सिमम करवाना हो तो हम क्या करेंगे कंक्लूजन ये रहेगा कि मॉड पी ए माइनस पी बी इज मैक्सिमम वेन पी इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए बी एंड एल तो अगर दोनों पॉइंट लाइन एल के सेम साइड पर हैं तो इस डिफरेंस को मैक्सिमम करवाने के लिए ए बी लाइन का लाइन एल के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए और यह भी ट्रेंगुलर इन इक्वालिटी ही है और ट्रेंगुलर इन इक्वालिटी से ही हम इसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अगर यह दो पॉइंट अपोजिट साइड पर हो तो क्या होगा बहुत आसान सा केस है दोनों को हमने पहले अपोजिट पर कर लिया एक जगह एक ए है एक बी है और ये इस जगह पर बी पॉइंट हो गया ये मैंने पी पॉइंट कंसिडर किया ये इस तरह से दो सेगमेंट्स मैंने लिए हैं अब यहां पर भी हम एग्जैक्टली exactly वही काम करेंगे हम इनमें से किसी भी एक का मिरर इमेज ले, ले लेंगे दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी ठीक है तो यहां ये अपोजिट साइड पर है अब अगर ये सेम साइड पर होते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट बन जाता तो इन दोनों को सेम साइड पर करने के लिए मैं A का मिरर इमेज लेके इधर ले आऊं या बी का मिरर इमेज लेके उधर ले जाऊं तो लेट्स से मैंने बी का मिरर इमेज ले, ले लिया दिस इज बी डैश पॉइंट मैं जानता हूं मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट से कि यह ए बी सेगमेंट और बी डैश P सेगमेंट इन दोनों का ये जो लेंथ है बी डैश पी और बी ये दोनों इक्वल होंगे बीपी इज इक्वल टू बी डैश पी एजेंटेड क्यों क्योंकि ये मिरर इमेज है तो अब मैं इसको भूल जाऊं और अब मेरे लिए इन दोनों को इन दोनों का डिफरेंस मिनिमम करवाना दैट इज इक्विवेलेंट टू मैक्सिमम करवाना दैट इज इक्विवेलेंट टू पी ए माइनस पीबी मैक्सिमम इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं दैट इफ मॉड पी एपी माइनस बीबी बीपी इज मैक्सीम दैट मीन्स Mod AP minus B dash P is maximum, right? क्योंकि हमने जो बीपी था उसी का बी बी था उसी का बी डैश मिरर इमेज बना लिया है लाइन के रेस्पेक्ट में तो बी बीपी सेगमेंट और बी डैश पी सेगमेंट दोनों का लेंथ इक्वल होगा अब ये प्रॉब्लम एक्जेक्टली exactly इसी तरह का प्रॉब्लम हो गया अब हमें क्या करना चाहिए इस ए बी डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन बना देनी चाहिए और ये वो पर्टिकुलर पॉइंट हो गया है पी हमारे पास जो हमारा डिजायर्ड पॉइंट है राइट right? ये हमारा डिजायर्ड पॉइंट है ये वो पोजिशन होगी जब ये डिफरेंस मैक्सिमम आ जाएगा क्या करना चाहिए और बी डैश और ए को ज्वाइन करने वाली लाइन बनाकर एल के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए आपको मैक्सिम की सिचुएशन मिल जाएगी सो पी ए माइनस पी बीज मैक्सिम वेन पी इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए बी डैश एंड एल आपको रिक्वायर्ड पॉइंट मिल गया तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन लेते हुए काम बहुत आराम से कर सकते हैं राइट right? अच्छा डिफरेंस मैक्सिमम का केस हमने यहां डिस्कस कर लिया मिनिमम के सिचुएशन में क्या होगा मिनिमम के सिचुएशन में हम इस पी पॉइंट को दूर शिफ्ट करते जाएं जब यह पी पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट के क्लोज आता जा रहा है तो यह डिफरेंस बढ़ता जा रहा है और मैक्सिमम हो गया जब पी पॉइंट इस इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ कॉन्साइड कर जाएगा मिनिमम कब होगा आप इसे दूर शिफ्ट करते जाइए तो ये लेंथ भी बढ़ती जाएगी ये लेंथ भी बढ़ती जाएगी और ये मिनिमम की सिचुएशन तब आएगी जब ये पी पॉइंट इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा जब ये पी पॉइंट इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा तो एबी सेगमेंट और बी डैश पी सेगमेंट ये दोनों भी ऑलमोस्ट इंफिनिटी होंगे

ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जैक्टली exactly उसी फॉर्मेट पर बेस्ड है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है और ये जई एडवांस में पूछा जा चुका है बच्चों रीड करिए इस क्वेश्चन को और जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि वो कर सकते हैं तो मैं कहूंगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है लेकिन लैंग्वेज इसकी थोड़ी डिफरेंट है देखने में बड़ा भी बहुत लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम प्रोफाइल का क्वेश्चन है जे एडवांस में इस पैटर्न पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जैसा अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया आज इसमें लाइन का इक्वेशन गिवन है और ए और बी दो पॉइंट के कॉर्डिनेट्स भी गिवन है तो वहां तो सीधे सीधे आपको समझ में आ जाता है कि ये इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है और आप इसी अप्रोच को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर देते हैं लेकिन यहां पर आपको क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा और फिर आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे लेकिन है ये भी उसी तरह का क्वेश्चन रीड करते हैं क्या बोल रहा है

तो देखिए ये स्ट्रेट हाईवे हो गया दो विलेजेस हैं ए एंड बी लेट्स से दिस इज विलेज ए एंड दिस इज विलेज बी ठीक है ये दोनों विलेजेस रोड के एक ही साइड पर हैं अब क्या बोला है इसने लेट द डिस्टेंसेज ऑफ द विलेजेस फ्रॉम हाईवे आर रेस्पेक्टिवली ए एंड बी इन दोनों विलेजेस की हाईवे से जो डिस्टेंसेज हैं वो ए एंड बी हैं दिस इज स्मॉल ए एंड दिस डिस्टेंस इज स्मॉल बी ठीक है अब मुझे क्या आगे करना है इसमें अब बस स्टैंड कनेक्टेड टू विलेजेस बाय स्ट्रेट रोड टू सर्व बोथ ऑफ देम इज बी बिल्ड ऑन द हाईवे हाईवे के ऊपर कोई एक बस स्टैंड बनाया जाना है विलेजेस हाईवे से दूर हैं ए और बी डिस्टेंस पर हैं हाईवे पर एक बस स्टैंड बनाया जाना है और उस बस स्टैंड को दोनों दोनों विलेजेस से स्ट्रेट रोड से ज्वाइन करना है

आगे चलते हैं फाइंड इट्स लोकेशन फाइंड इट्स लोकेशन करना क्या है रीड करिए फाइंड इट्स लोकेशन लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है सच दैट टोटल डिस्टेंसेज ट्रेवल्ड बाय विलेजर्स इज मिनिमम टोटल डिस्टेंसेज ट्रेवल्ड बाय विलेजर्स ये जो बस स्टैंड बनाया गया ये दोनों विलेजेस को सर्व कर रहा है कॉमन बस स्टैंड बनाया जा रहा है दोनों विलेजेस के लिए बीच में कहीं बनाया जा रहा है लेकिन कंडीशन यह डाली गई है कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की जानी है विलेजेस से ए और बी के विलेजेस के जो विलेजेस हैं वो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो टोटल डिस्टेंस का सम मिनिमम आना चाहिए यानी कि ए पी और बी पी का सम मिनिमम आना चाहिए ये हमारी रिक्वायरमेंट हो गई मतलब हमें क्या करना है ए पी प्लस बीपी इज मिनिमम ये काम हमें करना है अब ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हो गया बच्चों मुझे ए पी और बी पी का सम मिनिमम करना है ये स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन के सेम साइड पर दोनों पॉइंट्स आ गए हैं ए और बी उन दोनों पॉइंट्स की यहाँ से डिस्टेंसेज आपको पता है और अब आपको करना एग्जैक्टली exactly वही होगा क्या कि किसी एक पॉइंट का मिरर इमेज ले लेंगे बी का मिरर इमेज ले लेंगे और फिर ए बी से उसको ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन के साथ इस गिवन लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट रिक्वायर्ड होगा वो हमारा फाइनली पी पॉइंट की लोकेशन दे देगा इन ऑर्डर टू हैव ए पी प्लस इज़ मिनिमम ओके यानी हम क्या करेंगे एग्जैक्टली exactly? इस बी पॉइंट का मिरर इमेज हमें बना लेना है तो ये बी पॉइंट का हमने मिरर इमेज ले लिया बी डैश अब इस ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट हमें बना लेना होगा तो हम इस ए और बी डैश को हम ज्वाइन कर देंगे और ए ए बी और बी पी को मिनिमम करवाना था इस सम को मिनिमम करवाना इसका मतलब AP और ए बी डैश को मिनिमम करवा देना है यानी कि ए पी प्लस बी डैश पी इज मिनिमम इसे मिनिमम करवा दिया जाए वन एंड द सेम थिंग तो AP प्लस BP, बी डैश पी को हम मिनिमम करवाना चाहते हैं तो इसे मिनिमम करवाना हमारा टारगेट हो गया तो हम ए और बी डैश को ज्वाइन करने वाला लाइन बनाकर उसका इस गिवन हाईवे के साथ इस स्ट्रेट लाइन के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे और ये जो पी पॉइंट होगा ये हमारे लिए रिक्वायर्ड पोजीशन हो जाएगी पी पी यहां यहां नहीं होना चाहिए, बल्कि यहां होना चाहिए चाहिए बल्कि ये हमारी डिजायर्ड लोकेशन होगी राइट तो एग्जैक्टली सेम प्रोफाइल का क्वेश्चन हो गया और ये जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं उन सबको मैं हटा देता हूं और कुल मिलाकर ये हमारे लिए ऐसा काम हो गया ये ए पॉइंट था ये बी पॉइंट था ठीक है और यहां पर यह बी डैश हो गया है ठीक है अब यहां पर हमें क्या करना होगा इस जगह पर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं अब ये पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये सोचने वाली बात है यहां लाइन की इक्वेशन तो गिवन ही नहीं है है ना हमें कोई कोऑर्डिनेट्स यहां पर गिवन नहीं है तो हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमें यहां पर कुछ अजम्पन लेने पड़ेंगे हमें इस तरह का एजम्पन लेने की जरूरत पड़ सकती है हमसे जो डिस्टेंसेस कही गई हैं ये ये वाले डिस्टेंस मुझे ए बताई गई है ये डिस्टेंस बी बताई गई है तो ये डिस्टेंस भी बी ही हो जाएगी ठीक है अब हम ऐसा कर सकते हैं कि इस लाइन को वाई एक्सिस ले लिया जाए और इस लाइन को एक्स एक्सिस ले लिया जाए राइट right? तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है क्योंकि लाइन की हाईवे की तो इक्वेशन थी नहीं हमारे पास तो ये एक्स एक्सिस हो गया हम बोल देंगे कि भाई इस पॉइंट से इतनी दूर हाईवे पर इस बस स्टैंड को बनाया जाए तो ये इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा अब इस वाले पॉइंट के कॉर्डिनेट्स आप निकाल सकते हैं इस पॉइंट के कॉर्डिनेट्स आपके पास होंगे जीरो कॉमा ए और इस पॉइंट के कॉर्डिनेट हमें निकालने होंगे तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है एक्स कोऑर्डिनेट की कोई इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में है क्योंकि ए और बी के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है यह हमें नहीं बताया गया कि ये दोनों इतना क्लोज है दूर है इस बात पर यह लोकेशन काफी हद तक डिपेंड करने वाली है तो हमें यह एजशन लेना पड़ेगा एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं यहां पर साफ साफ ये बात लिख रखी है टू विलेजेस एट अ डिस्टेंस एल इन दोनों विलेजेस के बीच में डिस्टेंस एल दिया हुआ है यानी कि ये वाला डिस्टेंस एल है दिस डिस्टेंस इज नॉट पैरल टू एक्स एक्सिस इज ये डिस्टेंस हमें यहां पर x एक्स एक्सिस के पैरल बनानी पड़ेगी तो हमें काम करते हैं l हमें पता है a हमें पता है b हमें पता है तो ए बी का हॉरिजोंटल डिस्टेंस यानी x एक्स एक्सिस के पैरल डिस्टेंस कितना है वो हम निकाल सकते हैं उसके लिए हम एक काम करेंगे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंप्लीट कर दें ये 90 डिग्री हो गया तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हम अज्यूम कर लेते हैं से दिस इज स्मॉल पी और इस स्मॉल पी की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ये हाइपोटेनिस हो जाएगा एल दिस इज एल माइनस दिस डिस्टेंस स्क्वायर विच इज ए माइनस बी डिस्टेंस पी हो जाएगी पी हमें पता है तो इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली माइनस बी होगा और एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा पी क्लियर अब सारा काम क्लियर है लाइन की इक्वेशन हमें पता है ठीक है और हम साथ में लाइन uh, की इक्वेशन हमें पता मिल जाएगी क्योंकि ए पॉइंट और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता हैं और एक्स uh, एक्सिस हमें पता है इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया जाए बहुत आसानी से काम हो जाएगा चलिए थोड़ी सी जगह कर लेते हैं यहां पर तो लाइन ए बी डैश इज ये हो जाता है वाई माइनस ए इज इक्वल्स टू दिस ए माइनस प्लस बी अपॉन जीरो माइनस पी इंटू एक्स माइनस जीरो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी और इसमें से हमें निकालना है ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट पी जो कि इस लाइन का एक्स एक्स के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट है सो रिक्वायर्ड पॉइंट पी इज y इज इक्वल टू जीरो कर दिया जाएगा y इज इक्वल टू जीरो के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे तो ये हो जाता है इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन माइनस पी इन एक्स डिस्टेंस आ जाती है ए पी अपॉन ए प्लस बी यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट से इतनी दूरी पर ये इस पी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है तो ये हमने ले लिया कि ये x डिस्टेंस पर पी पॉइंट लोकेटेड होगा यानी बस स्टैंड लोकेटेड होगा इन ऑर्डर टू हैव एबी प्लस बीपी मिनिमम तो ये जो सम हमें करवाना था ए बी और बीपी का मिनिमम वो उसके लिए यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो मिनिमम होने के लिए ये काम करना होगा हम लाइन वाले केस को लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था हमने लाइन की इक्वेशन बनाई हम ऐसा भी कर सकते थे ऑल्टरनेटिव अप्रोच हम एक काम और कर सकते हैं ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे ठीक है तो हम एंगल्स को इक्वल करवाते हुए भी ये काम कर सकते हैं है ना कैसे ये दिस इज ए अपॉन एक्स ए अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू बी अपॉन इज इक्वल्स टू बी अपॉन दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज पी माइनस एक्स राइट एक्स के लिए हमें सॉल्व करना है दिस इज ए बी माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू बी एक्स राइट तो यहां से एक्स का वैल्यू आ जाएगा ए पी अपॉन ए प्लस बी तो हम लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट न करके हम ये भी कर सकते हैं ये दोनों एंगल्स इक्वल होने तो हमने यहां से एंगल ऑफ टेन थीटा ऑफ दिस एंगल इज ए अपॉन एक्स एंड टेंटा ऑफ दिस एंगल इज बी अपॉन दिस लेज पी माइनस एक्स और दोनों को इक्वल करवाते हुए एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया लेकिन अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट वही है कि हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है इफ यू कैन फ्रेम लाइन यूज लाइन इक्वेश अदरवाइज यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ अप्रोच ऑल्सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल्सो ओके इसके साथ साथ अगर हम ये एंगल वाले कॉन्सेप्ट पर फोकस करें तो बच्चों यहां पर एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट और निकल कर आता है एक बार वो भी आप देखिए दैट इज रियली समथिंग अमेजिंग और उसको समझना बहुत जरूरी है हमने इफेक्टिवली ये एंगल और ये angle, इन एंगल इन दोनों एंगल्स को ही तो इक्वल किया यही दोनों एंगल्स हमने इक्वल किए है ना ये डिस्टेंस हमें ए दिया हुआ था और ये डिस्टेंस हमें बी दिया हुआ था ठीक है हमने ये दोनों एंगल्स इक्वल कर दिए ये लेंथ हमने इक्वल करी अगर मैं ये जो बी डैश पॉइंट था ये बी का मिरर इमेज था ये निकालने के लिए मुझे बी का मिरर इमेज लेना पड़ा तो इफेक्टिवली ये जो पी पॉइंट है बीपी डैश और बीपी लेंथ ये दोनों इक्वल हैं अब अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये और ये एंगल भी इक्वल होंगे इजेंट इट क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑलरेडी इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और यहां पर ये एंगल और ये एंगल पहले से इक्वल थे तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए इजेंट इट आ रही ना बात समझ में ये दोनों एंगल्स फाइनली हम इक्वल बोल रहे हैं ठीक है अब जरा आप थोड़ा सा यहां पर फिजिक्स दिमाग में लेकर आइए फिजिक्स का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है बच्चों और वो कॉन्सेप्ट होता है रिफ्लेक्शन वो यहां पर फिट हो रहा है कैसे यहां पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ठीक है अब आप इस जगह ध्यान से देखिए अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा इट और रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक इक्वल एंगल्स विद द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नॉर्मल बोल दिया जाए और अगर ये इंसिडेंट रे हो और ये रिफ्लेक्टेड रे हो ये इनफैक्ट इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा या नहीं एजेंटेड ऐसा मैंने क्यों बोला क्योंकि यहां पर ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल थे इफेक्टिवली ये दो एंगल्स भी इक्वल हो गए यानी यहां पर एक तरह से देखा जाए तो फिजिक्स अगर आपका फिजिक्स का आईक्यू बहुत स्ट्रांग है तो आप उससे भी इस चीज को बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं इट और अगर आ, और ये लाइट के कॉन्सेप्ट के साथ में इसलिए कॉलोरेट कर रहा हूं क्योंकि लाइट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी होती है दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड फॉलोज द पाथ इन विच इट टेक्स मिनिमम टाइम टू ट्रैवल टू द

और वो कॉन्सेप्ट यहां पर इस तरह से अगर आएगा तो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या लाएगा जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो मतलब ये हो गया कि लाइट ने जो पाथ फॉलो किया एग्जैक्टली exactly उसी पाथ पर अगर रोड बना दिया जाए तो जो टोटल डिस्टेंसेज होंगी वो मिनिमम होंगी अब डिस्टेंस क्यों मिनिमम होगी लाइट ने तो टाइम मिनिमम किया था तो ये डिस्टेंस कैसे मिनिमम हो रही है डिस्टेंस इसलिए मिनिमम हो रही है क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ मीडियम ए की तरफ है लाइट के कॉन्सेप्ट पर आइए वापस मीडियम ए की तरफ है इसका मतलब लाइट की स्पीड इन दोनों रेस की सेम है अगर टाइम मिनिमम है और स्पीड कॉन्स्टेंट हो जाए तो डिस्टेंस भी कॉन्स्टेंट हो गया इजेंट इट डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इन टू स्पीड इट इसका मतलब जो डिस्टेंस मिनिमम हुआ टाइम मिनिमम हुआ तो डिस्टेंस भी मिनिमम हो गया तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड था लाइट का वो मिनिमम हो जाएगा तो अगर लाइट यहां से यहां तक पहुंचने में जो पाथ फॉलो कर रही है उस पाथ में लाइट ने जो टाइम लिया वो टाइम मिनिमम है तो उसने जो पाथ फॉलो किया वो पाथ भी मिनिमम लेंथ का होगा अगर उस पाथ को पकड़ लिया जाए और उसी पाथ पर रोड बना दिए जाए और यहां पर रिफ्लेक्टिंग पॉइंट पर बस स्टैंड बना दिया जाए तो ये मिनिमम डिस्टेंस में काम हो जाएगा इजेंट इट अमेजिंग है ना लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने तो यहां पर सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फंडामेंटल अप्लाई किया और उससे भी काम हो गया लेकिन ये जो लाइट का कॉन्सेप्ट अभी अभी हमने देखा ना ये कॉन्सेप्ट कई सिचुएशंस में बहुत यूजफुल हो जाता है बच्चों ऐसा एक क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है आई आई जेई में आया हुआ है वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं और वहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी फेल हो जाता है तो या तो आप इस पैटर्न के क्वेश्चन उस जो अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उस कॉन्सेप्ट से उस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं या फिर आपको मैक्सिमा मिनिमा पर ही जाना पड़ेगा तो मैं वो क्वेश्चन दिखाऊं जो एक बार जेई e. में पूछा भी हुआ है आप ध्यान से देखिए अ स्विमर इज इन दी एट ए किलोमीटर सी समुद्र के अंदर है एट ए किलोमीटर्स फ्रॉम द नियरस्ट पॉइंट ऑन द बीच हिज हाउस इज एट एल किलोमीटर्स फ्रॉम दिस पॉइंट ठीक है मेजर्ड अलॉन्ग द बीच ओके क्या बोलना चाह रहा है पहले अपन डायग्राम में समझ लेते हैं सपोज यह बीच है स्विमर ए किलोमीटर डिस्टेंस पर है नियरेस्ट पॉइंट ऑन द बीच नियरस्ट पॉइंट ऑन द बीच पर पेंडिकुलर डिस्टेंस के अलोंग ही मेजर किया जाएगा सपोज यहां पर स्विमर है तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस a किलोमीटर्स है ठीक है ये स्विमर का पोजीशन हो गया ठीक है इसके बाद इसने बोला हिज हाउस इज एट बीच एट l किलोमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट इस पॉइंट से l किलोमीटर डिस्टेंस पर उसका हाउस है और दैट इज दैट एल डिस्टेंस इज मेजर्ड अलोंग द बीच ठीक है तो ये यहां पर उसका कहीं हाउस आ गया है और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है एल किलोमीटर्स ठीक है अब उसने क्या बोला है ही कैन स्विम विद स्पीड वी किलोमीटर पर आर वो वी किलोमीटर से तो स्विमिंग कर सकता है किलोमीटर पर से एंड कैन रन विद यू किलोमीटर पर आर यू किलोमीटर पर आर की स्पीड से दौड़ लगा सकता है दौड़ लगा रहा यानी बीच पर या सड़क पर दौड़ लगा सकता है वी इज लेस देन यू स्विमिंग स्पीड रनिंग स्पीड से कम बता रखी है वेयर शुड ही लैंड ऑन द बीच अभी वो प्रेजेंटली यहां पर है दिस इज द पोजिशन ऑफ स्विमर उसे बीच पर कहां लैंड करना है सज दैट ही कैन रीच टू हाउस एज क्विकली एज पॉसिबल कम से कम टाइम में वो अपने घर पर पहुंच सके ये उसका हाउस है और ये उसकी पोजिशन है और वो अभी प्रेजेंटली यहां पर है दिस इज बीच वो अभी एग्जिस्ट कर रहा है ये उसकी स्विमर की पोजीशन है लेट्स से यहां पर स्विमर एग्जिस्ट कर रहा है अभी और यहां से उसे अपने घर पहुंचना है तो ऑब्वियसली उसके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं वो यहां से स्विमिंग करता हुआ परपेंडिकुलरली यहां लैंड करे फिर दौड़ लगाता हुआ यहां जाए या यहां से सीधा सीधा स्विमिंग करता हुआ एच पर पहुंच जाए या इस पॉइंट से स्विमिंग करता हुआ कहीं पहुंचे बीच में और उसके बाद बचे हुए पाथ को वो दौड़ के ट्रेवल करे दौड़ने की स्पीड और स्विमिंग की स्पीड दोनों में डिफरेंस है और आपको बता रखा है कि ही कैन रन फास्टर You, जो है ना यू उसकी रनिंग स्पीड है वो उसकी स्विमिंग स्पीड से ज्यादा है है ना तो अगर वो यहां से सीधा यहां लैंड करेगा तो टाइम ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा तो उसे कहीं बीच में लैंड करना है ठीक है वह बचे हुए रास्ते को उसे दौड़ लगा के ट्रेवल करना है तो लेट्स से यहां से उसने लैंड किया इस जगह इतना तो उसने ट्रेवल कर लिया है स्विमिंग करते हुए और फिर यहां से वो आगे जा रहा है रनिंग करते हुए तो यहां से आगे वो रनिंग करते हुए चल रहा है ये जो रेड लाइन से मैंने दिखाया ये उसका रनिंग पाथ हो गया ये आपको पता है कि उसकी जो रनिंग स्पीड है और स्विमिंग स्पीड है ये वी किलोमीटर्स पर आर जो उसकी स्पीड है ये तो उसकी स्विमिंग स्पीड दे रखी है दिस इज द स्विमिंग स्पीड एंड दिस इज यू किलोमीटर्स पर आर ये उसकी रनिंग स्पीड है और वो यहां पर लैंड कर रहा है सपोज ठीक है तो मैंने अजीम कर लिया कि वो इस जगह पर कहीं लैंड करता है अपनी इस डिस्टेंस पर एक्स डिस्टेंस पर वो लैंड कर रहा है ठीक ये उसकी पर्टिकुलर पोजीशन है ठीक है और इस जगह पर ये यहां पर होना चाहिए इस जगह ठीक यहां से यहां पर मान लो उसने एक्स किलोमीटर पर लैंड किया और यहां से यहां तक उसका हाउस का जो डिस्टेंस है वो एल है ये उसकी इनिशियल पोजीशन है तो इस ये नियरेस्ट पॉइंट हो गया नियरेस्ट पॉइंट से उसकी डिस्टेंस आ गई है आगे उसका ये सब दिया हुआ है डिटेल अब इस जगह पर वो कैसे काम कर सकता है हम अगर कैलकुलस पर चलें तो मुझे टोटल टाइम निकालना पड़ेगा टोटल टाइम कैसे निकालूंगा टोटल टाइम टी ज इक्वल्स टू टाइम ट्रेवल्ड इन द सी दौड़ने स्विमिंग में कितना टाइम लगा तो उसके लिए मुझे वी स्पीड पता है और उसका डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूं ये ए है और ये एक्स है सपोज तो ये मैंने निकाल लिया उसे टोटल टाइम लगेगा डिस्टेंस ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर दिस इज एंड दिस इज एक्स तो ये डिस्टेंस कितना हो गया क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बनेगा यहां पर तो ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इतने डिस्टेंस को उसने वी किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया ठीक है ये स्विमिंग में टाइम लगा उसको प्लस रिमेनिंग जो पाथ है वो रनिंग करते हुए कंप्लीट कर रहा है यानी कि एल माइनस एक्स एल माइनस एक्स डिटेंस एल माइनस एक्स डिस्टेंस उसने यू किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया तो ये उसका टोटल टाइम आ गया और अब मैं इस टाइम को मिनिमाइज करवा दूंगा विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स डिफरेंशिएट करते हुए तो डिफरेंशियल कैलकुलस का हमने एप्लीकेशन ले लिया और अब हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में और फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालकर मिनिमम का केस देखेंगे ये एक अप्रोच हो गया लेकिन अभी अभी जो मैंने आपको लाइट का कॉन्सेप्ट समझाया बच्चों वो कॉन्सेप्ट यहां पर बहुत ही परफेक्ट फिट होता है और उससे आप बहुत आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं आप सोचिए यहां स्विमर है यहां उसका हाउस है ठीक है थोड़ा स्पेस ले लेते हैं इन सबको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो आप देखिए यहां स्विमर है और यहां पर उसका हाउस है अगर यहां लाइट सोर्स हो और यहां पर टारगेट uh, हो तो लाइट यहां से यहां पहुंचने के लिए वो पाथ सेलेक्ट करेगी जिसमें उसे मिनिमम टाइम लगेगा ठीक है मिनिमम पाथ को मिनिमम टाइम uh, लगे ऐसा पाथ ट्रेवल करेगी लाइट तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए उसने यह पाथ सेलेक्ट किया ठीक है अब यहां पर टाइम मिनिमम लगेगा क्योंकि उसको यहां पर इस जो सरफेस है वहां पर लाइट की स्पीड अलग है और जो वाटर के अंदर लाइट की स्पीड अलग होगी है ना जैसा कि स्विमर के साथ हो रहा था पानी के अंदर स्पीड अलग है और ग्राउंड पर स्पीड अलग है लाइट के साथ भी ऐसा ही होगा मीडियम चेंज हो गया वहां एयर है और यहां पर वाटर है तो दोनों जगह पर लाइट ने जो टारगेट जो टाइम लिया वो टाइम भी अलग है तो वो लाइट ऐसा पाथ सेलेक्ट करेगी जहां उसे मिनिमम टाइम में यहां तक वो पहुंच सके तो वो इस तरह से यहां कहीं स्ट्राइक करेगी और यहां से जो मिनिमम पाथ मिनिमम टाइम वाली रे सबसे पहले यहां पहुंचेगी वो लाइट जो इस पॉइंट पर स्ट्राइक करते हुए यहां पहुंचेगी वो लाइट रे मिनिमम टाइम में पहुंचेगी ठीक है अब ये कॉन्सेप्ट अगर आप ऑप्टिक्स में देखें लाइट में देखें तो आप इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन का फंडामेंटल अप्लाई हो रहा है तो कैसे अप्लाई हो रहा है एक बार जरा देखिए ये नॉर्मल हो गया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया थीटा आई और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रिफ्रैक्शन हो गया थीटा आर ठीक है तो लाइट का वो पाथ निकाल लिया जाए और इस पर्टिकुलर पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए लाइट कौन सा रूल फॉलो करेगी कौन ये जो कॉन्सेप्ट लगेगा ये कॉन्सेप्ट कौन सा होगा स्नेल्स लॉ लाइट विल फॉलो स्नेल्स लॉ अगर लाइट स्नेल्स लॉ फॉलो करते हुए यहां पहुंच रही है तो उसे मिनिमम टाइम लगेगा अगर ये पाथ पकड़ लिया जाए और स्विमर भी इसी को फॉलो करने लग जाए यानी सी के अंदर यहां और फिर ग्राउंड पर यहां तो स्विमर को जो टाइम लगेगा वो भी मिनिमम होगा दोनों का टाइम अपना अलग अलग होगा क्योंकि लाइट की स्पीड अलग है स्विमर की स्पीड अलग है तो दोनों जो टाइम लेंगे वो अपना रेस्पेक्टिव मिनिमम टाइम होगा लेकिन होगा दोनों का अपना अपना मिनिमम टाइम तो यहां लाइट स्नेल्स लॉ फॉलो कर रही है अगर स्विमर भी स्नेल्स लॉ फॉलो कर ले तो मिनिमम पॉसिबल टाइम में यानी एज अर्ली एज पॉसिबल वो यहां से यहां पहुंच जाएगा और इस पाथ के लिए स्नेल्स लॉ बोलता है साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू साइन थीटा आई कैसे निकालेंगे ये थीटा आई है बच्चों तो ये वाला एंगल भी थीटा आई हो जाएगा दिस इज एंड दिस इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स तो साइन आई का वैल्यू हो जाएगा एक्स अपॉन दिस दिस इज एल्टीट्यूड एंड दिस इज है साइन थीटाई हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स और साइन थीटा आर थीटा आर की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री दिस एंगल इज 90 डिग्री तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री एंड दिस इज वी अपॉन यू सिंप्लीफाई कर लेंगे साइन 90 डिग्री इज वन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर वी प्लस एक्स स्क्वा स्क्वायर दिस इज एक्स स्क्वायर स्क्वायर वी और यहां से अब हम इसे X के लिए सॉल्व कर लेंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए वी अपॉन यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्विमर लैंड करता है यहां से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है एक्स वो डिस्टेंस अगर ए वी अपॉन अंडर रूट यू स्क्वेयर माइनस स्क्वायर के इक्वल हो तो उसे मिनिमम टाइम लगेगा अब आप देखिए कैलकुलस नहीं लगाने की जरूरत पड़ी और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया बट फॉर दिस यू मस्ट बी स्ट्रांग टू अनालाइज द प्रॉब्लम क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए फंडामेंटली उसको समझ में आना बहुत जरूरी है और तब आप इस तरह के कॉन्सेप्ट पर काम कर सकते हैं तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कीजिए आई एम श्योर यू कैन सेव टाइम और, sure और जे एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं आते रहे हैं ये जो एग्जाम्पल अभी अभी मैंने आपको दिखाया है ये आई टी जेई में ऑलरेडी पूछा जा चुका है बच्चों इसी तरह के पावरफुल कॉन्सेप्शन मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल पर रेगुलर बने रहिए जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कर दें इस वीडियो को और लाइक कर दें और इसके अलावा आप कोई और कॉन्सेप्ट पर और इस तरह के वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा और साथ में अपना फीडबैक देते हुए कुछ और जो फंडामेंटल्स आप चाहते हैं वो भी दीजिए तो आने वाले सेशंस में हम उन कॉन्सेप्ट को भी लेने की कोशिश करेंगे दैट्स इट माई डेयर स्टूडेंट्स थैंक यू बाय बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट